अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो करने जा रहे हैं, जो आज का जो हमारा पेपर है वो है तहसीलदार का जो पास्ट पेपर है, वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके हम 5 पार्ट्स बनाएंगे और 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। हर पार्ट के जो है वो 20 MCQs होंगे और एक आज जो हम करने जा रहे हैं वो पार्ट 1 है और इसमें हम 20 MCQs को करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो पेपर है वो तहसीलदार का है, BPS 16 है और ये पास्ट पेपर है, ठीक है। तो इससे ये आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो तहसीलदार के पेपर में होते हैं। तो ये आपको जनरल व्यू और आइडिया देने के लिए है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके रिलेटेड जो सिलेबस के होंगे वो आएंगे आपके पेपर में। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा विच टर्म डिनोट फलस्तीन अपराइजिंग, कि ये एक टर्म है फलस्तीन अपराइजिंग, ये एक टर्म है, इसका मीनिंग क्या है, इसके इसका जो स्लोगन है वो क्या है। तो वो इसका जो स्लोगन है वो है एंटीफाडा, ठीक है, कि बढ़ना, राइज करना, इस्लाम को राइज करना, ठीक है। आप जानते हैं कि फ़लस्तीन का जो इशू है वो काफ़ी बड़ा है और इसके ऊपर काफ़ी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है। तो इस वजह से ये एक फ़लस्तीनियन जो है अपराइजिंग एक टर्म है और इसका जो मीनिंग है वो है एंटीफाडा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ कॉल्ड मेंबर ऑफ लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन कम्बोडिया। कम्बोडिया जो है उसके अंदर जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, सबसे बड़ा जो नस्ली ग्रुप है, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है वो खेमर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फर्स्ट टूरिस्ट इन स्पेस। जो फर्स्ट टूरिस्ट है जिसने स्पेस में गया, जैसे कि हम टूरिस्ट के लिए जो जाते हैं ट्रैवल करते हैं, इसी तरह ये फर्स्ट टूरिस्ट है जिसने पैसे देकर जो है वो स्पेस का सफ़र किया, तो उसका नाम है जी डेनिस टिटू और इसने 2001 में पहली दफ़ा जो है वो सफ़र किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नाउन एज क्राइंग ट्री, कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिसको हम बोलते हैं कि वो क्राइंग ट्री है, ठीक है। तो आप देखते हैं जो रबड़ का दरख्त है उसके अंदर से जो है वो वाटर लिक्विड की फॉर्म में निकल रहा होता है उसके अंदर से, तो उसको हम बोलते हैं क्राइंग ट्री, इसलिए वो उसके अंदर से निकल रहा होता है, तो जिसको हम रबड़ बोलते हैं, तो वो इस वजह से इसको हम बोलते हैं क्राइंग ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बेगलाचोर एरिया है डेरा गाजी खान का और ये बहुत फेमस है, इसकी वजह क्या है कि ये वहाँ इस इलाके में यूरेनियम जो है वो बहुत ज़्यादा ही मकदार में पाई जाती है, तो इस वजह से इस इलाके को फेमस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्फ्रेड नोबल बिलोंग टू विच कंट्री। अल्फ्रेड नोबल आप जानते हैं जो नोबल प्राइज़ हमें दिया जाता है उसकी बुनियाद पर हम देखते हैं कि ये स्वीडन कंट्री से बिलोंग करता है, तो इस वजह से ये स्वीडिश है अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द फर्स्ट वुमन कम्पीट इन ओलंपिक्स, कि पहली दफ़ा जो है वो फर्स्ट वुमन जो है वो ओलंपिक गेम्स में कब उन्होंने कम्पीट किया, तो इसका जो ऑप्शन है वो 1912 है, 1912 में पहली दफ़ा जो है वो वुमन्स ने ओलंपिक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज पैन इस्लाम ओरिजिनेटेड इन 1880 इन ओटोमान एम्पायर, कि ये पैन इस्लाम एक, ये भी एक टर्म है और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक मूवमेंट है जो ऑटोमान एम्पायर के दौर में जो स्टार्ट हुई, तो इसकी जो इसका जो आंसर है वो है कि मूवमेंट ऑफ अपराइजिंग इस्लामिक नेशन, ठीक है, कि ये एक मूवमेंट चलाई गई थी 1880 में ऑटोमान एम्पायर में जो तुर्की की आप जानते हैं, तो उसमें ये मूवमेंट चलाई गई थी और इसका मूवमेंट का मकसद ये था कि इस्लामिक नेशन जो है कौम है उनको इकट्ठा करें, उनको अपराइज करें, बढ़ाएं। हम देखते हैं कि जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो ज़्यादा वेल सेटल्ड, वेल डेवलप्ड हैं, तो इस वजह से ये चलाई गई थी कि जो इस्लामिक नेशन है उनको जो है बढ़ाया जाए, उनकी डिवेलपमेंट के लिए काम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट टाइम पेपर इन्वेंटेड बाय, जो पहली दफ़ा पेपर जो है जिसके ऊपर हम लिखते हैं ये पहली दफ़ा जो इन्वेंट किया गया था, तो चाइनीज़ ने बनाया था 3500 कबल मसीह में, ठीक है, बिफोर सेंचुरी 3500 बिफोर सेंचुरी, ये इन्होंने पहले बनाया था और ये चाइनीज़ ने बनाया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पेपर, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो पेपर है वो चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट दोज ला आर कॉल्ड डैट गॉड गेव टू मूसा, कि जो ला अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे उनका उनको क्या बोला जाता था, ठीक है। तो उनका जो नाम है वो है 10 कमांडमेंट्स, ठीक है, 10 कमांडमेंट्स जो है वो ये नाम है जो ला जो दिए गए थे अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइटैनिक वॉयज, टाइटैनिक जो आप एक उस पर मूवीज़ भी बनी है और काफ़ी सारा जो है क्वेश्चन वगैरह भी हैं, तो ये टाइटैनिक वॉयज जो टाइटैनिक बहरी सफ़र था उसकी डेट क्या थी, ठीक है, और ये साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ का जो सफ़र का सफ़र था, तो ये इसकी जो डेट थी वो थी 14 अप्रैल 1912, ठीक है, 1912 में जो है वो ये सफ़र स्टार्ट हुआ था और इसके दौरान जो है वो ये हादसा हुआ था
और जिसकी वजह से ये टाइटैनिक एक बड़ा इंसिडेंट हिस्ट्री का बन गया है और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। तो ये आप जानते ही हैं कि ये एक बहरी सफ़र था और इसमें जहाज़ के साथ जो है वो हादसा वगैरह हो जाता है और जिसकी वजह से ये टाइटैनिक वॉयज जो है वो फेमस हो जाता है। नेक्स्ट है जी 12 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज टूर डी फ्रांस। टूर डी फ्रांस जो है वो एक साइक्लिस्ट रेस रोड रेस है जिसमें फ्रांस के जो प्रोफेशनल हैं साइक्लिस्ट होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ जो चोलिस्तान सराय चोलिस्तान में जीप रैली होती है और उसमें जो प्रोफेशनल होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, तो इसी तरह टूर डी फ्रांस जो है वो एक साइक्लिस्ट रेस है और ये फ्रांस के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वाटर स्कैंडल बिलोंग टू, ठीक है, वाटर स्कैंडल फेमस है रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका का सदर रहा है 1972 के दौर में, तो उस वक्त ये वाटर स्कैंडल हुआ था और ये रिचर्ड निक्सन जो प्रेसिडेंट है ये इसको अपनी जो सदारत है उससे इस्तीफा देना पड़ा और इस वजह से ये फेमस हुआ कि ये वाटरगेट स्कैंडल। ये एक ऐसा स्कैंडल था जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो लीक की गई थी, इस वजह से जो ये फेमस हुआ और इसको नाम उन्होंने दिया है वाटर स्कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गोल्डन रिवर फ्लो इन, कि जो गोल्डन रिवर है वो किस इलाके में फ्लो करता, तो ये अलास्का से कनाडा की तरफ जो है वो फ्लो करता है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 15, अलास्का जो है वो स्टेट है यूएसए की और कनाडा जो है वो कनाडा और यूएस यूनाइटेड स्टेट आप देखते हैं कि वो आपस में उनकी बाउंड्री जो है वो साथ साथ मैच है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया है उनकी बाउंड्री जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर होती है, इसी तरह अलास्का जो यूएसए की स्टेट है और कनाडा, अलास्का से ये कनाडा की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, कि पंजाब का जो पहला गवर्नर था वो कौन था, तो जो फर्स्ट गवर्नर था पंजाब का वो था जनाब अब्दुल रब निश्तर साहब थे और 1949 में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो पंजाब के गवर्नर का हल्फ उठाया और बाद में ये मुस्लिम लीग के जो है वो सदर भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गोल्डन गेट ब्रिज इन, गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो फेमस क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है और ये सैन फ्रांसिस्को जो है वो स्टेट है उसके अंदर ये मौजूद है और ये यूके के अंदर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्टेस्ट डे हम देखते हैं कि जो मूवमेंट होती है और सर्दियों के दिनों में आके हम देखते हैं कि दिन बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, तो शॉर्टेस्ट डे जो है वो 22 दिसंबर है, ठीक है, 22 दिसंबर जो है वो शॉर्टेस्ट डे है और 22 जो जून है वो क्या है कि वो लॉन्गेस्ट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रेड स्क्वेयर एक फेमस बिल्डिंग है और ये मॉस्को रशिया के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से भी ये क्वेश्चन बार बार जो है वो रिपीट है कि रेड स्क्वेयर कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग टू, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली से बिलोंग करता है और ये क्रिस्टोफर कोलंबस वो है जिसने अमेरिका को जो है इन्वेंट किया, उसको डिस्कवर किया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्रीज शेयर वाटर ऑफ कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का जो वाटर है वो किन किन कंट्रीज जो है वो या कौन कौन सी कंट्री जो है वो आपस में शेयर करती हैं, ठीक है, किन के साथ उनकी बाउंड्री जो है वो अटैच होती है, तो उसमें नंबर 1 आ जाता है ईरान, नेक्स्ट आ जाता है रशिया और थर्ड है जी आज़रबाईजान। तो ये 3 ऑप्शंस दिए थे और 3 ऑप्शंस के ज़रिए से बताया गया है कि ईरान रशिया और आज़रबाईजान जो है उनकी जो बाउंड्री है वो कैस्पियन सी के साथ जो है वो शेयर होती है, अटैच होती है, ठीक हो गया।